पार्टनर को चेंज करना सही या गलत, इसको वाइफ स्वैपिंग भी मिलते हैं या वाइफ शेयरिंग भी बोलते हैं, अलग अलग उसको नाम है, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाइफ शेयरिंग और वाइफ स्वैपिंग थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या है कि दो कपल एक दूसरे में आपस में वाइफ को एक्सचेंज कर दे, मतलब एक कपल एक की वाइफ दूसरे आदमी के साथ में वो बेड शेयर करेगी और इसकी वाइफ उसके साथ में बेड शेयर करेगी, और ये दोनों के सम्मति से होता है और दोनों की नहीं, चारों की सम्मति से होता है एक्चुअली। और इसमें लोगों को मतलब ये एक्सेप्टेड है कोई कल्चर्स में, और बहुत हाई फाई लोगों में ऐसा होता है, बहुत हाई सोसाइटी में ऐसा होता है, और एक वो नॉर्मल माना जाता है। हमारे देश में एकदम ही बहुत ही सुपर हाई सोसाइटी जो है, या मतलब ऐसे लोग हैं कि जिनको जिनका कल्चर ही अलग है, इसमें ये एक्सेप्टेड है और ये माना जाता है कि ठीक है ये नॉर्मल है भाई। ये क्यों किया जाता है? एक तो लोगों को वही वाइफ के साथ में रहना और कितने भी चेंज किए पोजीशन कुछ भी किया था भी बोरिंग लगता है कि वही वाइफ है, वही पार्टनर है, वही हस्बैंड है, उनको बोरिंग लगता है। फिर इसलिए एक्सचेंज करते हैं कि क्यूरियोसिटी भी, उत्सुकता भी रहती है कि चलो उनके साथ में करेंगे, दूसरे के साथ में करेंगे सेक्स, तो क्यूरियोसिटी भी रहती है। कुछ लोग ज़्यादा मजा आती है ये करने में इसलिए करते हैं, कुछ लोग किक के लिए करते हैं, भाई किक मिल जाती है ऐसा करने में। इसके बाहर बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, चुपचाप होते रहता है, और चारों लोगों की इच्छा जरूरी है। अब इसमें ये साथ में कहीं घूमने चले जाते हैं, कोई होटल्स में रहने के लिए गए, और वहाँ जाने के बाद में मतलब इसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है, तो ये मालूम लोगों को पड़ता नहीं है, तो आपस में विद कंसेंट होते रहता है, तो ये वाइफ शेयरिंग है। पर कहीं वाइफ स्वैपिंग जो है वो कहीं बड़े लोगों में, बड़ी 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 जो पार्टियाँ होती है जिनको एकदम हाई फाई सोसाइटी बोलती है, होते हैं ऐसे, और फॉरेन में भी कहीं कंट्रीज में ऐसा होता है कि बड़ी पार्टियां होती है उसमें लोग जाते हैं, और ऐसा मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, मैंने कभी विटनेस भी नहीं किया है। जो सुनी सुनाई बात है वो है कि भाई कार की कीज एक जगह डाल देते हैं, और कार की डालने के बाद में कोई भी लेडी कोई भी की उठाती है, और जो की उठाई तो जो कार का जो मालिक होगा वो उसके साथ में वो सेक्स करेगी, या पर्चियाँ डालती है और पर्चियाँ डालने का जिसका भी नाम उठेगा उसके साथ में वो चले जाएंगी पार्टीज़ में, तो फिर किसका भी नंबर कहीं भी लग सकता है और वो एंजॉय करते हैं, तो इसको मालूम नहीं कि किसके साथ में किसका होगा। तो ये तो सुनी सुनाई बात है मगर ये होते रहती है ऐसा, इसके इसके प्रूफ भी है, क्योंकि लोग चुपचाप में, कुछ लोगों ने मेरे साथ में ये एक्सेप्ट भी किया हुआ है जो मैंने देखा नहीं तभी भी। इसमें एक तो गुप्त रोग होने के मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मालूम नहीं है कौन सी लेडी किसके साथ में पहले सोखे आई हुई है, और HIV है या फिर बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या कुछ फैमिली प्लानिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कोई प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो जिसको प्रेगनेंसी नहीं करना है, अवॉइड करना है, उन्होंने ये करना नहीं चाहिए, मतलब वो करते नहीं है ऐसा स्वैपिंग। और फिर जिनको कोई डर नहीं है, तो जिनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो करते रहते हैं। लेट में जो है अभी जब कल्चर ही ऐसा है, और लेट नाइट जब ये नाइट आउट होते रहते हैं, तो नाइट आउट्स जो बड़े बड़े कल्चर्स में लोग करते हैं, हाई फाई सोसाइटीज़ है, और जो नाइट आउट्स करते रहते हैं उनमें तो ये कॉमनली होता है। ऐसा लोग मुझे जब बोलते हैं, मेरे साथ में शेयर करते हैं, मेरे साथ में जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं तब तो बोलते रहते हैं। तभी ये गलत है क्या, सही है क्या, ये कल्चर का सवाल है। इसके लिए मैं तो कोई प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूँ इसको कि वह सही है कि गलत है, अपनी अपनी चॉइस है, मगर लोग करते क्यों मैंने बता दिया कि लोग क्यूरियोसिटी है या बोरिंग होता है या कोई ज़्यादा मज़ा आना है, फन करना है, किक मिलनी है, उसके लिए करते रहते हैं, और उनको वो कल्चर ही पहले से ऐसा है कि उनको उसमें कुछ बुरा लगता नहीं है कि भाई मतलब। और फिर वो कल्चर जो है कि नहीं पत्नी है या सात फेरे लेंगे या सात फेरे लेके फिर जन्म जन्म यही पति रहेगा, और फिर हमारे इसमें जो संस्कार होते हैं मतलब वो उनके कोई गांव के भी रहते नहीं लोग ये, और उनको ये चर्चा भी नहीं, ये साथ में रहते हैं अंडर वन रूफ, पता नहीं कितने दिन साथ में रहेंगे, मेनली ये शादीशुदा भी है तभी भी वो ऐसा समझते कि दे आर इन रिलेशनशिप ओनली। बच्चे हैं तो ठीक है, 15 साल तक बच्चों को, 16 साल तक बच्चों को अपने पास में रखना है, बाद में उनको भी बाहर अपने पैरों के लिए खड़े रहने के लिए उनको भेज देने का है। तो
वाइफ स्नैपिंग में कोई भी कहीं भी बड़े पैमाने पे होता है, और वाइफ शेयरिंग जो होता है वो क्लोज इसमें होता है, इतना ही फर्क है, अदरवाइज दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब ये पार्टनर एक्सचेंज करना सही गलत, ये अपना अपना इरादा, अपने अपने विचार, अपना अपना कल्चर, इसके ऊपर है। ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो एक लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।